सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रतिभा चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ मस्त और व्यस्त हो गए, तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 7 बजे से। तो देखिये जी, हम सुबह सुबह पहुंच चुके हैं जी बगीचे पर। तो देखिये जी, सुबह सुबह हम तो पहुंच चुके हैं जी बगीचे पर। तो हम आए हुए हैं जी अभी बगीचे के लिए, घास के लिए। तो आप देख सकते हो इधर तो घास नहीं है, हल थोड़ा थोड़ा घास है, पतला पतला लगा हुआ है, तो हमने ये ही निकालना है। और साथ साथ मौसम की बात की जाए तो सामने के लिए थोड़ा धुंध सी दिखाई दे रही है, तो सामने आग लगी हुई थी इसी के कारण ये इधर को धुंध पड़ी हुई है। तो सामने करते हैं जी सूर्य देवता जी के दर्शन। तो अब बगीचे में धूप लगना भी शुरू हो चुकी है, तो उससे पहले हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं जी घास। तो मैं अभी घास इधर ही निकालूंगी, यहाँ पर मैं घास निकालती हूँ जल्दी जल्दी। तो जितने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी उतने तक हम यहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे। तो देखिए जी, यहाँ पर है जी हमारे एक कलम टूटी हुई है, तो तोड़ी तो पता नहीं है किसने तोड़ी है, पर ये है कि यहाँ से रास्ता है, हो सकता है। तो इसको ना यहाँ पे बांध रहे हैं ताकि ये रस ले, क्या पता रस ले भी सकते है। वैसे तो नहीं लेगी ना ये रस, ये तो ऐसे भी लग ही रहा है, इसमें ही है ना। बांधने से क्या होता है, क्या पता चल पड़े, तो इसीलिए हम इसको बांध रहे हैं। हो सकता है रस ले ले और ये अच्छे से पेड़ बने। हो गया नहीं, पता क्या होता है बगीचे में ना कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे बांधने के लिए, तब तो यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के करना पड़ा। मैं यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के इसको लेके आई हूँ, थोड़ा सा राणा पता है किसने सोचा कि यहाँ कलम टूटी हुई, तब तो घर से लेके आते कुछ, तो यहाँ पे मुझे मिला थोड़ा सा कपड़ा है, रिबन है, ये रिबन रिबन है, ढूंढ के भी मैं नहीं लाया है, मेरे को ही नहीं पता क्या आई। मम्मी अब तो भाई सेफ रख रहे हैं इसको, अरे परे से लगा रहे हैं जी, ताकि लोगों को इधर उधर जो चलेगा दिखेगी यहाँ पे भाई कलम है, नहीं तो नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, इधर घास ढूंढ ढूंढ के हम थक चुके हैं, यहाँ हमारे घास ही नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम घास है। ये लगा रहे वापस में, अब इसको ताकि पता लगे कि यहाँ पर पेड़ है। मम्मी लगे हुए जी दराटी से इनको, इसको तोड़ने। आजकल नहीं जाता जमीन में कुछ नहीं, इतना ज्यादा सूखा हुआ है। अगर इधर को गिरी है फिर नीचे को क्यों गिरना, इसने गिरी तो पीछे को ही गिरेगी, पीछे को गिरेगी, ऐसी बांधी थी मैंने। यहाँ है वो, ये देखो प्लास्टिक का कागज जैसा। अरे ऐसे बांधा था मैंने ये, ये ना ठीक है, इसको दो रहने रिबन। प्लास्टिक पकड़ता रहा, ये थोड़ा ना होना, प्लास्टिक पकड़ता है, प्लास्टिक से होता है। तो अब लगे जी मम्मी, पहले मेरे को इतने में ढूंढने में लगाया, पता नहीं किस बेवकूफ ने तोड़ी है, कुत्ता बेवकूफ था वो। आदमी भी हो सकता है इसमें तो। चलो जी, हम भी हो चुके हैं जी घास निकाल के खत्म। तो हमने निकाले हुए हैं जी आज 7 पूड़े, तो मम्मी उठाएंगे जी 7 पूड़े। तो मेरे पास के लिए है जी सूखा घास, वो रखा हुआ है जी वहां पर है। तो देखिए जी, यहाँ पे हो चुकी जी रस्सी, थोड़ी छोटी हो चुकी है इस घास के लिए, तो इसमें बांध रहे हैं जी स्ट्रेप रोल। तो मेरे से मांगा था थोड़ा सा, मैं लेके आ चुकी जी इतना ज्यादा, तो थोड़ा यहाँ पर है और बाकी मम्मी इसमें लगा रहे है। तो दोस्तों, अभी अभी मुझे मिल चुका है जी प्लम, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा पका हुआ है और इसका कलर भी देख सकते हो कितना ज्यादा रेड है। खाने के लिए उतना ही मीठा होगा। दो मिले, एक मम्मी खा रहे, मम्मी वाला थोड़ा, तो यहाँ मिला नीचे पेड़ के नीचे, मम्मी को नीचे मिला, मेरे को तुझे मिला पेड़ में। हाँ, ये बहुत अच्छा होना खाने के लिए, ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, मेरे वाला थोड़ा खट्टा है, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा पका हुआ है ये। तो चलो जी, इधर हमने घास के भट्टे रख लिए हैं, तो अभी जा रहे जी हम दादी के घर। तो उधर मिले जी नन्नी मुन्नी, नन्नी मुन्नी
आजा इधर आ, डर रही है दोस्तों मेरे से ये भी है। क्या भाई परमिल जी लाली से मैं इसको टच कर रही हूँ तो उसको परे मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। आजा 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 आजा, देखो दोस्तों इतना गुस्सा। मैंने कौन से इसको ले जाना थोड़ी नहीं अपने साथ। तो ये चले जी स्कूल। नमस्ते नमस्ते भी चल पड़े। तो देखे जी वाह ठुमक ठुमक के। तो सामने हो रहे जी हमें ऑस्कर के दर्शन। तो ऑस्कर के दर्शन हो रहे जी हमारे को इधर जंगल में। तो ये पता नहीं कहाँ गया हुआ था तो इसको शायद हमारी आवाज़ आई होगी तभी यहाँ पे पहुँच चुका है ऑस्कर। अच्छा 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 बड़े से वो दादी आ गए जी हमारे शार्टू वाली दादी घास लेके। वाह चलो। और भाई चुन्नो मुन्नो और भाई डॉली मोली। हाँ भाई मिको क्या हो गया क्या हो गया। तो चलो जी हमारा लंच भी निकल चुका है। तो लंच में है जी कड़ी चावल साथ साथ है जी प्याज भटूरे भी बने हुए हैं और है जी हलवा। तो दोस्तों शाम के 5 भी बज चुके हैं और अभी आई हुई हूँ जी मैं खेत। तो मैं तो अभी पहुँच ही रही हूँ तो मम्मी आए हुए जी थोड़ी देर पहले के। तो मम्मी गए हुए हैं पेड़ में मैं दिखाती हूँ। तो मम्मी गए हुए जी फेडू के पेड़ में। तो आजकल घास की कमी है तो देखिए जी हरा घास आजकल बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा थोड़ा है कहीं कहीं। तो आजकल हमारी गाय हम आजकल गाय को खिलाते हैं जी फेडू। तो शायद पहली बार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा दिखाया है कि अभी तक कि ये मम्मी हमारी गाय के लिए फेडू लेके जा रहे हैं। ये तो आपके नीचे जा रहा है। चली हुई जी ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है। गिरे नीचे पकड़ो। वाओ ठंडी हवा से तो जान आती है जान। ये लगा दी जोर जोर लगा के। तो क्या करना आजकल फेडू से ही गुजारा करना पड़ना। तो आजकल तो गाय हरा घास ढूंढती है पर खेतों में तो हरा घास ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है। पर तब इसीलिए यहाँ पे आजकल हरा जैसे फेडू यहाँ पर है तो फेडू से ही काम चला रहे हैं। डेली शाम शाम को फेडू ही लेके जा रहे हैं। हम ही नहीं पूरे गांव वाले फेडू ही लेके जा रहे हैं। तो किसी के भी घास नहीं रहा है पर घास तो है। घास तो है कहाँ है घास सूखा घास है हरा घास नहीं है। ऊपर एक शाटू वाली चल पड़ी। तो ऊपर दादी भी चल पड़े है जी। दादी भी जा रहे हैं फेडू के लिए। कहाँ जा रही भाई सब्जी के लिए। फेडू की सब्जी के लिए। तो दोस्तों बारिश ना होने के कारण जो भी हमने यहाँ पे पार्टी वगैरह लगाई हुई थी वो सारी की सारी सूख चुकी है। जो हमने सार की कल में भी करी हुई थी वो भी सूख गई है। तो देखे जी इधर ऑस्कर भी मिल चुका है। ऑस्कर को भी लग गया है कि हम खेत पहुंच चुके हैं। वाह भाई ये तो अभी सो के उठ रहा है। देखिए जी यहाँ पे लगाई हुई है जी पाल्टी। तो इसमें देखिए जी ये भी सूखने लग चुकी है। इसकी पत्तियां भी देखिए जी मुरझाने लग चुकी है। तो और एक कलम यहाँ पे करी हुई थी तो इसकी पत्तियां भी देखिए जी कितनी सूख चुकी है। ये भी सूख चुकी है। ये वाली ठहरी हुई है। ये वाली भी चल बसी। कलम करी हुई थी तो देखे दोस्तों ये कहाँ जा रहा है क्या लेके गया। तो देखे जी मम्मी लेके जा रहे हैं जी इन लकड़ियों को। ये यूज होगी जी अभी खेत में तो मैं आपको अभी शेयर करूंगी ये क्यों लेके जा रहे हैं। डेंजर रास्ता जिसमें हमको उठना बड़ा टफ हो जाता है।
तो दोस्तों इधर है जी टमाटर, तो यहाँ पर टमाटर में लगाई जा रही है जी स्पोट। तो ये लकड़ियाँ हम इसीलिए ही लेके आए हुए जी खेत से, ताकि इधर टमाटर में हम स्पोट लगा सके, नहीं तो ये टूट जाती है, तो इसलिए इसमें ऊपर ऊपर के लिए जाते रहेंगे। तो देखिए जी इतनी सारी लकड़ियाँ हम यहाँ पर इकट्ठी करके रखे हुए हैं। तो मम्मी लगे हुए जी झाबल के साथ इन लकड़ियों को पहले नीचे डालने। तो दोस्तों देखिए जी इधर से मम्मी ने लगा दिया जी टमाटर के लिए स्पोर्ट लगा लिए। तो दादा अभी देख रहे हैं, दादा कैसे लगा है, बढ़िया लगाई है ना, बढ़िया है ना। तो चलो जी इधर के लगा दिया, अभी यहाँ पर रहा हुआ जी थोड़ा सा लगाने के लिए, बाकी तो लग चुके हैं। कैसे खाने वाले भी खाते रहे, खूब लगेंगे ना इसमें। टमाटर तो हो चुके हैं जी बहुत बड़े बड़े, तो आप देख सकते हो कितने कितने बड़े बड़े टमाटर हो चुके हैं। तो अब दिखाती हूँ जी मैं आपको कद्दू। तो कद्दू हो चुके हैं जी, इतने बड़े बड़े कद्दू हो चुके हैं, इसमें लगे हुए जी दो, बाकी अभी लगने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फूल आ रहे हैं, इसमें दोबारा से कद्दू लगेंगे। तो इस वाले में दो लग रहे हैं, तो इस वाले में भी दो लग रहे हैं, और इधर की बात की जाए तो इसमें भी दो लग चुके हैं, और एक और इसमें इसमें अभी नहीं लगा है। तो देखिए जी अब इसमें भी बंद पड़ने लग चुके हैं, तो यहाँ देखिए जी एक छोटा सा बंद पड़ चुका है, और यहाँ पे भी तीन चार पेड़ टमाटर के हैं। तो यहाँ पे भी लगाया जा रहा है जी, यहाँ पे भी लक्कड़ लगाए जा रहे हैं स्पोर्ट के लिए।